अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड ब्लेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एस टी एफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 72 एंड 184 का बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो बड़ी वैल्यू होती है उसे हम रखते हैं अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास 184 जो है वो 72 से बड़ा है, इसलिए 184 को हमें अंदर रखना है और 72 को हम रखेंगे यहाँ बाहर। ठीक है, अब हमें इसे कम्प्लीटली डिवाइड करना है जब तक कि हमारे पास जीरो ना आ जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 72 के टेबल में 184 आता है या नहीं आता। 72 वन टाइम है 72, और 72 टू टाइम क्या होता है वो हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम 2 इज 4 एंड 2 टाइम 7 इज 14। ठीक है, ये छोटा आ रहा है। तो अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यकीनन वो बड़ा ही आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 3 टाइम 2 इज 6 एंड 3 टाइम 7 इज 21। ठीक है, 21 ये तो ये वैल्यू बड़ी हो चुकी है 184 से, इसलिए हमें ये वाली वैल्यू लेनी है 72। 2 टाइम इज 144। अब क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे इसे। 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो हमारा रिमाइंडर है ये बन चुका हमारा नया डिवाइजर, और जो हमारी डिविडेंड की वैल्यू होगी, अब क्या करेंगे, जो डिविडेंड की वैल्यू होगी जो हमारा प्रीवियस डिवाइजर था वो बन जाएगा हमारा नया डिविडेंड। अब 40 टाइम 1 इज 40 एंड 40 टाइम 2 इज 80। 80 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि वो 72 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यह लेंगे 40 टाइम 1 इज 40। माइनस करेंगे, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 ही आएगा यहाँ, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3। ये हमारा रिमाइंडर है, अब ये बन जाएगा हमारा नया डिवाइजर, और जो हमारी डिविडेंड की वैल्यू होगी वो होगी हमारे प्रीवियस वैल्यू, जो प्रीवियस जो हमारा डिवाइजर था यानी कि 40। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा नया डिविडेंड। 32 टाइम 1 इज 32 ही लेंगे क्योंकि अगर 2 से करेंगे तो वो 40 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो अब हम यहाँ माइनस करेंगे, 0 में से 2 माइनस नहीं कर सकते इसलिए हम बोरो ले लेंगे, ये 3 हो जाएगा और ये 10 बन जाएगा। 10 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो वो आएगा 0 ही। ठीक है, अब ये जो हमारा रिमाइंडर है ये बन जाएगा फिर से हमारा नया डिवाइजर, और जो डिविडेंड की वैल्यू होगी वो होगी हमारे प्रीवियस डिवाइजर की वैल्यू यानी कि 32। अब देखना है कि क्या 8 के टेबल में 32 आता है। 8 के टेबल में 32 बिल्कुल आता है, 4 पे ये यहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। 8 टाइम 4 इज 32। ठीक है, अब यहाँ 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, ये वैल्यू जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो चुकी है। अब जो हमारा लास्ट डिवाइजर है, ठीक है, जिसपे हमारी ये वैल्यू कम्प्लीटली डिवाइड हुई है, ये है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस HCF। जिस जो हमारा लास्ट डिवाइजर होगा हमेशा वही होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।